आत्मानुशासन नामक ये ग्रंथ है। आत्म पर अनुशासन करने की यहाँ चर्चा है, माने क्या करके हम अपने आप पर अनुशासन कर सकते हैं, ये बात यहाँ बताई जा रही थी। परिचय सहने की प्रेरणा देते हुए ये कहा था, ऋषभ देव जैसों को ही जब परिचय सहना पड़ा तो साधारण जन की क्या बात है। जिन्होंने राज्य और लक्ष्मी को तिनके के समान त्याग दिया, ऐसे आदिनाथ भगवान भी बहुत लंबे काल तक अंतराय होने के कारण क्षुभित होकर के दूसरों के घर घर फिरते रहे, दीन के समान तप करते हुए, माने अनशन नामक तप करते हुए उनकी स्थिति होती रही। तो फिर साधारण जन को यदि अपने कार्य सिद्धि में थोड़े बहुत भी परिचय आए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। विधि का विलास अलंग्य है। विधि मतलब क्या होता है? कर्म। विधि माने कर्म, और विधि का विलास अलंग्य है, मतलब इस कर्म का जो खेल है, कर्म का जो कृत्य है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, उसे कोई टाल नहीं सकता। जो कर्म का उदय आएगा वो भोगना ही पड़ेगा, ये सहज ही व्यवस्था है इस प्रकार की, उसमें किसी की चलती नहीं है। और इस संदर्भ में वही ऋषभ देव स्वामी का उदाहरण देकर के उस बात को समझाया है। पार्थनाथ स्वामी का भी उदाहरण दिया जा सकता था, ऋषभ देव का उदाहरण देकर के बतलाया है। 24 तीर्थंकरों में से 3 तीर्थंकर ऐसे हुए जिनके ऊपर मुनि अवस्था में उपसर्ग हुए। तो पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर भी उपसर्ग कम नहीं हुआ, वो तो जगत प्रसिद्ध है। कमठ ने उनके ऊपर पत्थर बरसाए, ओले बरसाए, अनेक प्रकार से उपद्रव करने का प्रयास किया मुनि अवस्था में। तो ये सब कर्म के उदय का ही कमाल है। आप सोचिए देव लोग जिनके चरणों में रहते हों, जिनके सेवक बन के रहते हों, बचपन से ही जिनकी सेवा करने के लिए स्वर्ग से देव आते हों, ऐसे पार्श्वनाथ स्वामी जब दीक्षा लेकर के नग्न दिगंबर वन में बैठे हैं तो एक कमठ नामक पूर्व भव जिसमें जिसका नाम कमठ था, अभी तो वो एक संगम नाम का देव है, उस देव का विमान ऊपर से जाते हुए वो रुक गया। नीचे देखा तो पार्श्वनाथ नाम के मुनिराज वो तपश्चरण कर रहे थे, और उन्हें देखकर उसको पूर्व भाव का याद आ गया, अरे ये वही व्यक्ति है, कौन, मरुभूति। कमठ और मरुभूति दोनों भाई थे ना 10 भाव पहले, ये वही मरुभूति का जीव है, इसी ने मेरे विमान को पकड़ा है, इसी ने मेरे विमान को अटका दिया है, इसने ऊपर से पत्थर बरसाना शुरू कर दिया मुनिराज के ऊपर। कौन था वो? देव। देखो देव लोग जिनकी रक्षा करते थे उनमें ही एक देव विरोधी होकर के है और उत्सर्ग कर रहा है, प्रतिकूल माहौल क्रिएट कर रहा है। यद्यपि ये बात अलग है कि वो प्रतिकूलता और वो उत्सर्ग उनको विचलित करने में समर्थ नहीं हो सका, लेकिन तो भी पुण्य के उदय के बिना, यह समझिए आप, पुण्य के उदय के बिना कोई रक्षा करने वाला नहीं होता, और पाप के उदय के बिना ये प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं बनती। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति बनना उनके जीवन में भी ये उनके पाप कर्म के उदय का कार्य है। खैर पुण्य हो चाहे पाप हो, समझिए आप कमठ के द्वारा पत्थर बरसाना ये पाप के उदय का काम है, तो वो जो धर्मेंद्र और पद्मावती का उतर करके आ जाना ये पुण्य के उदय का काम है, ठीक है। लेकिन पाप के उदय से भी प्रभावित नहीं होना और पुण्य के उदय से भी प्रभावित न होकर अपने स्वभाव का अवलंबन लेते रहना, ये परमात्मा बनने का मार्ग है। बन गए परमात्मा। कमठ के द्वारा पत्थर बरसाए जाने पर भी पार्श्वनाथ को क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, गुस्से से लाल पीले नहीं हो गए, नाराज नहीं हुए, उठ करके अपनी शक्ति प्रदर्शन करते, अरे अतुल्य बल के धनी होते हैं जन्म से ही बाल तीर्थंकर,
उनका तो ऐसा बल होता है कि मेरु पर्वत पर जब 1008 कलशों से अभिषेक होता है तो तत्काल का जन्म हुआ बालक, अभी तो जन्म हुआ था, आज ही तो जन्म हुआ है, और वो बालक पद्मासन लगा करके वहां बैठता है, और ऐसे कलशों से अभिषेक होने पर भी वो विचलित नहीं होता, ऐसा अतुल्य बल होता है बाल कर्तन का जन्म से ही। तो क्या युवा अवस्था में दीक्षा लेने के पश्चात उपसर्ग के काल में वो क्रोधित होकर के उसको परास्त नहीं कर सकते थे? लेकिन उपसर्ग करने वाले के ऊपर क्रोध का परिणाम नहीं है, और उपसर्ग दूर करने के लिए उतर करके आ गए एक देवी और देवता धर्णेन्द्र और पद्मावती नामक, और वो आकर के उनका उपसर्ग दूर करने लगे। ऐसा लगता है हमारे को कि यदि धर्णेन्द्र और पद्मावती नहीं आते तो बेचारे पार्श्वनाथ का क्या होता। ऐसा ही है क्या? यदि वे नहीं आते तो बेचारे पार्श्वनाथ अतुल्य बल के धनी थे, वो उपसर्ग का तो उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। उन देवों को विकल्प आया बचाने का, और वो देवी देवता आकर के बचाने का प्रयास करने लगे। वे तो पहले ही सुरक्षित थे, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने आकर के बचाने का प्रयास भी किया धर्णेन्द्र पद्मावती ने। तो भी ऐसा जानकर कि ये हमारे हितेशी हैं, ये हमारे उपकारी हैं, इन्होंने हमारी रक्षा की है, थोड़ा बहुत तो उनके प्रति उपकार की भावना होगी पार्श्वनाथ के हृदय में कि नहीं? शत्रु के प्रति द्वेष का भाव नहीं है, और जो मित्रवत सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके प्रति राग का काम नहीं है। ये राग और द्वेष दोनों को जिसने जीत लिया हो, जिसने राग द्वेष काम अधिक जीते, दोनों को जीत लिया है, दुश्मनी को भी जीत लिया है और प्रेम को भी जीत लिया है। कि किससे जीता है? कि अपने स्वभाव के अवलंबन से जीता है। उसके कारण क्या हुआ कि सारे जगत को जीत लिया उन्होंने, राग और द्वेष को जीत लेने से अब तीन लोग को जीत लिया। अब वो उपसर्ग करने वाले तो उपसर्ग करते रहे ही नहीं, वो तो चरणों में आ गए, और जो रक्षा करने वाले थे वे भी इतने मात्र ही नहीं रहे, क्योंकि अभी तो अंतर्मुख में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वे परमात्मा बन गए, समोह चरण की रचना हो गई, और फिर कितने असंख्यात देव उनके चरणों में आकर के बैठ गए। फिर तिरियन की गति के जीव भी आ गए, और मनुष्य भी लाखों की संख्या में मनुष्य गति के जीव भी पहुंच गए वहां उनका उपदेश सुनने के लिए, उनकी जय जयकार होने लगी। केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए स्वर्ग से देव आ गए। कैसी परिस्थितियां बन जाती है, ये सब किसका किसके बल पर हुआ? बोले यदि वे धर्णेन्द्र पद्मावती से थोड़े बहुत भी प्रभावित हो जाते तो वे तीन लोग के नाथ नहीं हो पाते, धर्णेन्द्र पद्मावती के नाथ होकर के रह जाते। पार्श्वनाथ किसके नाथ हैं? किसके नाथ हैं? तीन लोग के नाथ हैं, त्रिलोक के नाथ हैं, सर्व जगत के जीवों के अधिपति हैं, सबके परमात्मा हैं, सर्वश्रेष्ठ हो गए हैं, तीर्थंकर बन गए हैं। हमें सिर्फ यहाँ इस प्रकरण के माध्यम से जो विधि का विलास और अलंग्य शब्द का प्रयोग उसके लिए किया है, सिर्फ वो बात करनी है कि उसका उल्लंघन करने में साक्षात तीर्थंकर जैसे जीव भी समर्थ नहीं है। तीर्थंकर जब बाल्यावस्था से थे तब तो अतुल्य बल के धनी थे ही, जब वे तीर्थंकर हो गए, तीर्थंकर हो जाने पर अनंत बल के धनी हो गए। जन्म से अतुल्य बल था, और तीर्थंकर बन जाने पर, अरहंत हो जाने पर अनंत बल हो गया। ऐसे अनंत बल के धनी तीर्थंकर परमात्मा भी जब कर्म का उदय जो चल रहा होता है उसे टालने में समर्थ नहीं होते। ऐसा अलंग्य, अलंग्य मतलब टाला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, उदय में परिवर्तन करने की सामर्थ्य किसी की नहीं, कौन बदल सकता है? आते हुए कर्म के उदय को कौन बदले? ऋषभ देव चाहते तो मारी जी को समझा था क्या? उनको बदलाव करने का विकल्प ही नहीं है, अपने स्वभाव का अवलंबन लेते हैं तो जो बदलाव होना होता है अपने आप होता है।
ये स्वभाव के अवलंबन की महिमा, ये अनंगे कहकर के कहना चाह रहे हैं कि ऋषभदेव स्वामी की दशा को देखो आप और फिर अनुमान लगाओ कि हम कितना फेरबदल करने में समर्थ हैं। शिखरिणी छंद है, 119 नंबर की गाथा श्लोक है, 110 नंबर पेज पर अपन पढ़ते हैं। कैसे सुंदर छंद दे दिया है, मैंने छंदों में ही कितना रहस्य भरा है, बड़ा आनंद आता है इनको पढ़ते हुए भी। गर्भ पूर्व सुरपति कर जोड़े जिनके सन्मुख दास समान। सुरपति, सुर नहीं, सुर मतलब तो देव, और सुरपति माने देवों के देव, माने देवों के अधिपति, माने इंद्र देवों के शासक, देवगति के जीव जिनके अधीन रहते हों। क्या हुआ? देवगति के जो अधिपति शासक हैं ऐसे सुरपति, सुरेंद्र भी कहते हैं उनके लिए। सुरेंद्र होता है ना किसी का नाम, सुरेंद्र का मतलब क्या होता है? सुर के जो इंद्र हैं, देवों के जो अधिपति हैं देवराज, सुरेंद्र शब्द का अर्थ है देवराज। एक होता है नरेंद्र, नरेंद्र मतलब क्या होता है? नरेंद्र मतलब कोई इंद्र इंद्र नहीं है, नरेंद्र शब्द का अर्थ है राजा, क्योंकि नर कहते हैं मनुष्य को, नर और इंद्र, तो नर इंद्र नरेंद्र मनुष्यों में जो श्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ हो, मनुष्यों में जो नायक हो, सर्व मनुष्यों के ऊपर जो हो अधिपति, वो है नरेंद्र, ठीक है ना। नागेंद्र, कई सब तरह के शब्द आते, देवेंद्र नागेंद्र सुरेंद्र फणेंद्र, तो फणेंद्र कौन है? नागकुमार जाति के देवों की बात है, मतलब नागकुमार जाति के जो देव हैं और उनके जो इंद्र हैं, क्या फणेंद्र है, धरणेंद्र, धरण भी एक भेद है, भवनवासी देवों में एक धरण नाम के इंद्र है, उनका नाम धरणेंद्र है, धरण धरणेंद्र, धरण नामक इंद्र भवनवासी देवों के भेदों में नागकुमार जाति के जो देव है, उन नागकुमार जाति के देवों में दो प्रकार के इंद्र हैं, तो उनमें एक का नाम धरण है, तो धरण में जो इंद्र है वो धरणेंद्र है, सब ऐसे ही है। खगेंद्र मतलब पक्षियों के अंदर जो श्रेष्ठ हो, खग शब्द का अर्थ होता है पक्षी, ख ख मतलब होता है आकाश और ग मतलब होता है गमन करना, तो खग मतलब आकाश में गमन करना माने पक्षी। विद्याधरों के लिए खग शब्द का प्रयोग आता है, आकाश मार्ग से गमन करने की सामर्थ्य होती है विद्याधरों में। देखिए यहाँ तो किसकी चर्चा चल रही है, सुरपति, सुरपति माने सुरेंद्र। गर्भ पूर्व, गर्भ में आने के पहले ही गर्भ पूर्व सुरपति हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं जिनके सन्मुख आकर के और दास बन करके। कौन दास बन गया है? इंद्र, इंद्र भी जिनके आगे हाथ जोड़ करके खड़ा है दास बन करके। गर्भ में आने के पहले से ही उसको लग रहा है वो हो तीन लोग के नाथ वहां जन्म लेने वाले, जन्म होने वाला है, गर्भ में आने वाले हैं। और कौन अभी देखना, एक तो बात कही है कि
इंद्र जिनके अधीन रहता हूं। दूसरी बात कहते हैं सृष्टि के सृष्टा है वे, सृष्टि के सृष्टा कहकर के महावीर भगवान की बात नहीं कर रहे, सृष्टि के सृष्टा कहकर के पार्श्वनाथ की बात नहीं कर रहे, शांतिनाथ की बात नहीं कर रहे, सृष्टि के सृष्टा आदिनाथ भगवान है, कर्म भूमि के सृष्टा है वे, ठीक है। भोग भूमि में जिस समय व्यवस्था नहीं थी कर्म करने की और कल्प वृक्षों के माध्यम से ही व्यवस्थाएं हुआ करती थी, उन कल्प वृक्षों के समापन के काल में, उन भोग भूमि के अंत समय में, जगत के जीवों को जब आहार आदि की भोजन आदि की व्यवस्थाओं में परेशानी खड़ी होने लगी, तो उन्होंने फिर असीमति कृषि आदि का उपदेश दिया। इस युग के प्रारंभ में, युग के शुरुआत में, युगम युगादौ, भक्तावन में ऐसा प्रयोग है युगम युगादौ, इस युग की आदि में युग सृष्टा, और जिनके सुत चक्रवर्ती हैं निधिपति जान, जैसे कहते हैं कि कई लोग ऐसे मजाक मजाक में बात करते हैं, पुराने लोग कहते हैं कितने पढ़े हैं साहब आप, हम क्या पढ़े हैं, एमए के भी बाप हैं, कलेक्टर के बाप हैं, ऐसा मैंने बच्चे इतने पढ़े हुए हैं हमारे, हमारी क्या बात करते हो आप, सही बात। अरे ये कह रहे हैं जिनके सुत चक्रवर्ती हैं, माने चक्रवर्तियों के भी जो बाप हैं, ऐसे ऐसे ऋषभदेव की बात चल रही है। अरे जिनका बेटा चक्रवर्ती हो उनको किस बात की कमी होगी, जिनके पिता चक्रवर्ती हैं वो बात तो अलग है, पिता चक्रवर्ती हो तो बच्चों के हिस्से में क्या है, और बहुत सारे बच्चे हैं, पिता चक्रवर्ती है और चक्रवर्ती का वैभव बच्चों को मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन जिनके बच्चे चक्रवर्ती हैं वो अपने पिताजी का तो साथ संभाल करेंगे कि नहीं, तो पूरा राज्य उन्हीं का हो गया। यद्यपि ये बात अलग है कि जिनके बच्चे ऋषभ देव के जो बेटे थे वे चक्रवर्ती नहीं थे, क्योंकि ऋषभ देव जब परमात्मा बन गए तब वो उनके बेटे नहीं थे, और जब वे चक्रवर्ती नहीं थे तब तक उनके बेटे थे। जब उन्होंने बेटे और परिवार से नाता तोड़ दिया, फिर दीक्षा लेने के बाद हजार वर्ष तक तपश्चरण किया, फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब तो उनको चक्ररत्न प्रगटा था, तब तक भी चक्रवर्ती नहीं थे, और उसके 60,000 वर्ष बाद में शेखंड को जीत करके लौटे तब चक्रवर्ती बने, कौन से पिता और कौन से पुत्र। लेकिन फिर भी भूत नैगम ने की अपेक्षा से उपचार से ये कथन किए जाते हैं कि जिनके सुत चक्रवर्ती है निधिपति जान, निधिपति है संपत्तियों के जो स्वामी है, लेकिन वे भी ऐसी दशा होते हुए भी चक्रवर्ती और इंद्र दो की बात कर दी है इन्होंने यहां। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती और देवों में सर्वश्रेष्ठ इंद्र, दो आ गए, मनुष्य गति के भी और देव गति के भी। त्रिंशों में तो क्या दम है, और नारकियों की क्या बात करें, तो ये कह रहे हैं देव गति के इंद्र भी चरणों में खड़े हैं और चक्रवर्ती जिनके बेटे हैं ऐसे हुए क्षुधा से व्याकुल, भूख लग रही है, क्षुधा से व्याकुल का मतलब भूख लग रही है, हाँ उनको गाय की भूख लगेगी, वज्र से नाराज सहन वाले थे, तीन तीन ज्ञान के धारी थे, तो ज्ञान के धारी होंगे तो भूख नहीं लगेगी क्या, क्या लगता है, मतलब किसी को ज्यादा ज्ञान हो जाए तो भूख ही नहीं लगती, क्यों नहीं लगती, अरे आपको इतना ज्ञान है आपको भी भूख लगती है क्या, कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं भूख लगेगी भैया। और ऐसा ही नहीं, चार चार ज्ञान के धारी हो गए, दीक्षा लेते हैं मने पर ये ज्ञान, मति श्रुत अवधि ज्ञान तो जन्म से था, दीक्षा लेने के बाद मने पर ये भी हो गया, अब चार चार ज्ञान के धारी होने के बावजूद भी क्षुधा का काम शरीर का काम वो तो शरीर से ही चलेगा, रोटी का काम तो रोटी से ही चलेगा, कोई बात नहीं गन्ने के रक्त चल गया लेकिन पेट में कुछ तो जाएगा, पेट में कुछ भी नहीं जाए तो रोजाना भूख से व्याकुल हो रहे हैं,
हुए क्षुधा से व्याकुल भ्रमते पृथ्वी पर वे प्रभु, कब तक भ्रमते रहे इस पृथ्वी पर, क्षुधा से व्याकुल होकर भूख से परेशान होकर 6 मास 6 महीने तक, अहो आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं हम कौन उसे टालने वाले, अहो कोई भी लांग सके नहीं इस जग में यह विधि विलास, ये जो जगत का विधि विलास है इसको कौन टाल सकता है। पहले एक वो क्रूरता की बात कही थी, वही छंद अपन ने याद भी किया था, पानी नहीं मिला उसको, जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर सारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर अंत मिला, वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम कीड़ों से था भरपूर, सूख गया तत्काल, अहो विधि का विधान है कितना क्रूर। ये विधि का विधान वही बात याद कह रहे, वो बहुत समय पहले आई थी, दोबारा आई 44 नंबर का श्लोक है, सूख गया तत्काल, अहो विधि का विधान कितना क्रूर है, ये विधि का विधान बिल्कुल, इतना मेहनत कोई कहेगी साहब कितना पुरुषार्थ किया है, पुरुषार्थ करने वालों को तो कार्य की सिद्धि होती है, लेकिन भैया इस विधि के आगे किसी की नहीं चलती है, इस कर्म के आगे किसी की नहीं चलती है। ये बात कहा, कोई भी लांग सके नहीं, अहो कोई भी लांग सके नहीं इस जग में यह विधि विलास, इस जगत का ये जो विधि विलास है इसे कोई भी लांग नहीं सकता, कोई इसका उल्लंघन नहीं कर सकता, कोई इसका पार नहीं पा सकता। इन्हीं बातों को अर्थ और भावार्थ में कहा है, हम पढ़ते हैं नीचे से 110 नंबर पेज, अर्थ देखिए, जिनके गर्भ में आने से पहले ही इंद्र किंकर, किंकर मतलब दास के समान हाथ जोड़ता है, दास बन करके सेवक बन करके जिनके आगे हाथ जोड़ता है, कब जोड़ता है, गर्भ में आने के 6 महीने पहले ही, गर्भ में आने से पहले ही जो स्वयं सृष्टि अर्थात कर्म भूमि की रचना करने वाले हैं, कौन है ये सृष्टि की रचना करने वाले, कर्म भूमि की रचना करने वाले, माने जगत के जीवों को कर्म करने की प्रेरणा देने वाले, कर्म करो मेहनत करो ये कार्य करो ये सब सिखाने वाले, ऐसे कर्म भूमि की रचना करने वाले, और जिनका पुत्र नौ निधियों का स्वामी चक्रवर्ती हुआ, निधिपति जान ऐसे शब्द का प्रयोग किया था ना, निधिपति मतलब नौ निधियों का स्वामी, ऐसे अपूर्व निधियां होती है चक्रवर्ती के पास में, अनेक रत्न होते हैं और ऐसी गजब की नौ नौ निधियां हैं, निधि एक एक निधि ऐसी है, निधि मतलब होता है खजाना, वास्तव में निधि शब्द का अर्थ है खजाना, तो नौ प्रकार के उसके पास में खजाने हैं, निधि है, और एक एक निधि खजाने की रक्षा करने वाले एक एक हजार देव कर देंगे, ऐसा वैभव है 14 रत्न नौ निधि। तो इन नौ निधियों की का ना, जिनका पुत्र नौ निधियों का स्वामी और एक एक निधि की रक्षा करने वाले हजार हजार देव, उनका स्वामी चक्रवर्ती हुआ, चक्रवर्ती सम्राट हो गया, ऐसे महापुरुष, ऐसे जो महापुरुष हो गए हैं कौन, आदिनाथ स्वामी भी 6 माह तक क्षुधावान होकर पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे, यह बड़े आश्चर्य की बात है, अहो अहो माने आश्चर्य, ये बहुत आश्चर्य की बात है। ऐसे स्वामी देखो, जिनके बच्चे कलेक्टर हो वे वृद्धाश्रम में चले जाएं तो अपने को कैसा लगता है, न शर्म की बात है, इतने 4-4 बच्चे इतने पैसे वाले हैं और फिर भी देखो आप पिताजी को रोटी डालने वाला नहीं,
रहे चक्रवर्ती और पिताजी को पूरी रोटी देने वाला नहीं। बात तो ऐसी है ना, जिनके बेटे चक्रवर्ती हैं, तो कोई व्यक्ति यहाँ उन बच्चों को दोष दे रहे। अरे बच्चों को दोष देने का क्या सवाल है इसमें, उनका क्या कसूर है? उदय अपना है, वो क्या कर सकते हैं? बच्चों का कोई कसूर नहीं है। यदि अपने पाप कर्म का उदय है तो वे प्रतिकूल ही चलेंगे, और अपने पुण्य का उदय है तो उनसे ज्यादा अनुराग करने की जरूरत नहीं है, अपने उदय प्रमाण ही सेवा करते हैं। अरे भाव हमारा बच्चा तो कितना आज्ञाकारी है और सेवक है हमारा तो। अरे नहीं भाव भैया, ये तो हम तो धन्य हो गए, ऐसे ऐसा बच्चा है हमारा तो। क्या धन्य हो गए आप, हैं फूल के गुफा हो रहे हो, कोई दम नहीं है इसमें। ये कह रहे हैं निधिपति चक्रवर्ती जिनके बेटे हों और फिर भी वे व्यक्ति भी भूख से व्याकुल होकर के पृथ्वी पर 6 महीने तक विचरण करते रहे, ये बड़े आश्चर्य की बात लगती है। इस संसार में निकृष्ट विधाता कर्म है, निकृष्ट कह दिया इन्होंने। इस संसार में ये जो विधाता है कर्म, ये कैसा है? निकृष्ट विधाता कर्म है, जिसका विलास अर्थात चरित्र अत्यंत अलंग्य है, इसका निवारण करने में कोई समर्थ नहीं। इस दुष्ट कर्म को टालने में, इसके चरित्र का, चरित्र माने इसकी प्रवृत्ति, इसके द्वारा किया गया कार्य, उसका नाम है चरित्र। तो इस विलास अर्थात इस चरित्र का अत्यंत अलंग्य है, इसका चरित्र, इसका निवारण करने में कोई समर्थ नहीं। अब कोई आपको कोई समर्थ व्यक्ति दिखता है क्या? आपको लगे कि अरे वो है एक हमारे जानकार, वो कर सकते हैं ये काम। पता है हम किससे उपचार करा चुके हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हमने चक्रवर्तियों तक की बात कर ली, हम तीर्थंकरों तक की बात कर रहे हैं। हाँ यदि आपके पास में कोई व्यक्ति तीर्थंकर से बढ़कर हो तो हमारे को बताओ, फिर हम देखेंगे कि वो कर्म के उससे पार है या नहीं है, कर्मों की उनके ऊपर चलती है या नहीं चलती है। एक व्यक्ति हो सकते हैं, एक है अवस्था, लेकिन वो अवस्था कौन सी है कि जो कर्म से मुक्त हो गए हैं फिर अब कर्म उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, स्वभाव में जम जाए और सिद्ध बन जाए। जब सिद्ध परमात्मा हो जाते हैं, जब सिद्ध परमेश्वरी हो जाते हैं, प्रणमो सिद्धाणम, प्रणमो सिद्धाणम, ऐसे सिद्धों को नमस्कार किया है, जिस दूसरे पद के माध्यम से जिन्हें नमस्कार किया है, ऐसे सिद्ध दशा की जिन्हें प्राप्ति हो जाती है, हाँ फिर उनके ऊपर कर्मों की नहीं चलती। फिर ऐसा नहीं चलता कि कर्म आ जाएंगे तो सिद्धों को भी उतार देंगे धरती पर, नहीं उतरेंगे। अब सिद्ध परमात्मा को कर्म उतारने वाले नहीं है। भावार्थ पढ़ते हैं और पूरा करते हैं प्रकरण को, क्योंकि बातें यही है, कितना भी करो बात तो ऐसी आएगी। भावार्थ, कोई ऐसा जाने कि मैं सुख सामग्री एकत्रित करके और दुखों के कारणों को दूर करके सुखी हो जाऊंगा, परंतु संसार में किसी का ऐसा पुरुषार्थ नहीं है जो कर्म का उदय आने पर उसे दूर कर सके। अब पंक्तियां और बातें तो ऐसी है कि घंटों चर्चा करते रहो इनके ऊपर, लौकिक उदाहरण दे दे करके चर्चा करते रहो। माने दुनिया में लोग कितना भी उठापटक करने की सोचते हैं, कितने पुरुषार्थी बनने की सोचते हैं, अरे हाँ हमने मेहनत करके इतना कमा लिया, हम इतना कमा लेंगे, इनका तो काम बहुत जबरदस्त है, इनका तो देखो आप, अरे इसमें तो कोई अकल ही नहीं है, इसमें तो सब गंवा दिया, पिताजी इतना पैसा छोड़ करके गए थे और इसमें तो क्या बिजनेस किया, करना जानता नहीं है, नहीं तो आज तो कहाँ से कहाँ पहुंचा देता, कहाँ पहुंचा दिया इसने, भी सब खत्म कर दिया इसने सारा काम। ये कह रहे हैं कोई खत्म करने वाला नहीं है और कोई उसको बढ़ाने वाला नहीं, किसकी चलती है? मैं सुख सामग्री को एकत्रित कर लूंगा, विकल्प जरूर करता रहता है, इसके संकल्प विकल्प इस प्रकार के चलते रहते हैं, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर देखना आप, फिर एक दिन, मतलब ये तो बस एक दिन, कौन सा एक दिन है? मतलब वो एक दिन क्या होगा, सपने देखता रहता है और सपने तो कभी किसी के पूरे होते ही नहीं।
सपने कैसे ही होते हैं जो पूरे न हो गए, पूरा हो जाए तो फिर सपना कहाँ रहा, फिर तो हकीकत हो गया। सपना सपना तब तक ही है जब तक वो पूरा न होवे। कोई ऐसा जाने, कोई क्या जाने, सभी ऐसा जानते हैं। इसमें तो कोई कह करके कह दिया किसका नाम ले रहे हैं हम, कोई जिसका नाम लो वही नाराज होता है। हम किसी का नाम लेकर के कहें कि तुम ऐसा समझते हो कि मैं तो सामग्री को इकट्ठा कर लूंगा, तो कहते हैं मेरे मेरे लिए क्यों, कह रहे मैं मिला क्या तुम्हारे को। कोई ऐसा कहता है तुम हो तो समझ लेना तुम्हारे बारे में बातें, तुम्हारे को भी ऐसा लगता हो, तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मेरा भी चिंतन ऐसा ही है, सोचता तो मैं भी ऐसा ही हूँ, तो समझ लेना। कोई ऐसा जाने कि मैं सुख सामग्री, सुख सामग्री का मतलब घर में एसी लगा दूंगा, अच्छी गाड़ी ले आऊंगा, अच्छा मकान होगा, ठीक है ना, अच्छी व्यवस्थाएं होगी, दो तीन नौकर होंगे, हर काम के लिए व्यवस्थाएं होगी, और ऐसे ऐसे सिस्टम लगेंगे, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और ऐसा सब बटन दबाते ही सारे काम हो जाएंगे। देखना आप वहां से विदेश से लेकर के आए हैं, इंडिया में तो है ही नहीं ये चीज, तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा सामग्री इकट्ठी करके क्या करूंगा, मैं दुख के कारणों को दूर करके सुखी हो जाऊंगा। आप कितने परेशान है, नौकरों से परेशान है ना, अरे हम ऐसा रोबोट लेकर के आएंगे सारे काम वो करेगा मशीन से ही, बोलो फिर वो छुट्टी भी नहीं करेगा, फिर तो कितनी अच्छी हो जाएगी ना व्यवस्था। बर्तन साफ करने वाली आपकी नहीं आ रही, ठीक है ना, झाड़ू पोछे वाली नहीं आ रही, आपने मशीन ही ऐसी लगा दी कि उसमें बटन चालू कर दिया और एक बार उसके अंदर प्रोग्रामिंग सेट कर दी उसके अंदर, और अपने आप पूरे घर के अंदर वो पहुंचा लग रहा है। अपने बर्तन सेट कर दिए उसमें, अपने आप सारे बर्तन साफ हो गए। बोलो ऐसी व्यवस्था हो तो कितना अच्छा लगता है, ऐसी व्यवस्था कर दूंगा मैं और फिर सुखी हो जाऊंगा, फिर तो दुख नहीं रहेगा बिल्कुल भी, फिर तो सुखी हो जाऊंगा ना। ये कह रहे हैं परंतु, परंतु लगा दिया, ये चोडरमल जी का ही है परंतु बावार तो नहीं का लिखा हुआ है। परंतु संसार में किसी का ऐसा पुरुषार्थ नहीं है, संसार में किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, तो किसी का नहीं है, मैं तो कर लूंगा, मेरा तो है, किसी का नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है ऐसे पुरुषार्थ की। कैसा पुरुषार्थ नहीं है, जो कर्म का उदय आने पर उसे दूर कर सके, कर्म के उदय को टाला नहीं जा सकता, ये कह रहे हैं। नष्ट किया जा सकता है पुरुषार्थ के बल, किया क्या जा सकता है, बस हो जाता है, कर्म नष्ट हो जाते हैं अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ से, लेकिन हम कर्म को टाले, अच्छा कर्म को टालना तब संभव है ना जब कर्म दिखते हो, आप टालो जी किसको टालोगे, बोलो आप टाल सकते हैं कर्मों को, ये सब कर्म दिख ही नहीं रहे हमारे, बोलो कौन सा कर्म दिख रहा है, कर्मों का सफाया कर सकते हो आप, जो दिखता ही नहीं है उसको कैसे मिटाएंगे। कर्म का उदय आने पर उसे दूर कर सके ऐसा कोई भी पुरुषार्थी नहीं है। श्री तीर्थंकर ऋषभ देव के किंकर दास के समान तो इंद्र थे, माने समझो आप ऐसा कह रहे हैं कि उनके नौकर तो उस स्तर के थे, जैसे अपन कहते हैं ना इनका तो साहब नौकर भी गाड़ी में आता है क्या, अब समझते इस तरह की जब अपन कभी किसी के बारे में बात करते हैं, अरे साहब ऐसे तो नौकर है इनके, साधारण नहीं है। आप सोच लो ये इतने वैभव संपन्न है, इनकी संपन्नता तो इतनी है कि फोर व्हीलर में तो पोंछा लगाने वाले आते घर में, अब सोच लो आप ये कैसे होंगे। तो ये कह रहे हैं कि जिनके जो नौकर थे वो कौन थे, ये कोई गरीब आदमी नौकर हो ऐसी बात नहीं है, अरे इंद्र जैसे तो जिनके यहाँ नौकरी करते थे, कि काई की नौकरी करते थे, कि भोजन व्यवस्था संभालते थे, कपड़ों की व्यवस्था संभालते थे, ठीक है ना, नई नई ड्रेस उनके लिए लाला करके देते थे, उनका मनोरंजन करने के लिए उनके साथ में खेलते थे, नए नए गेम उनके लिए लेकर के आते थे, उनके साथ में क्रीड़ा करते थे, उनको तैयार करते थे, और ये सब काम करने के लिए कि कौन करते थे, कि जो काम समझ लो आप जो घर की नौकरानियां करा करती हो,
कपड़े को बदलने का, के साफ करने का, के धोने का, है ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं करने वाले नौकर कौन? इंद्र। माने समझिए आप, चक्र वैसे तो ढाला रहता है, कोई काम नहीं है इंद्र के पास में, क्या काम देवगति में। हाँ, जब बाल तीर्थंकर का जन्म होने वाला हो, घर में आने वाले हो, तब से उसकी ड्यूटी लग जाती है। और वो ड्यूटी कब तक रहती है? जब तक वे दीक्षा न ले ले तब तक ड्यूटी रहती है। और फिर उसके बाद में जब वे दीक्षा ले लेते हैं, फिर थोड़े समय के लिए उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, और फिर जब केवल ज्ञान हो जाता है तो फिर दोबारा ड्यूटी चालू हो जाती है। क्या फिर भी इतना व्यस्त नहीं रहता है ना, वो तो नॉर्मल काम है, तीर्थंकर की तो व्यवस्था पूरी करनी पड़ती है शाम से। मैंने समझिए ऐसे जो अपने यहाँ पड़ोसी रोज ही आते रहते हो, तो उनके लिए अपन भी इतने अलर्ट नहीं रहते, इतने सावधान नहीं रहते, अपन भी घर के काम करते रहते हैं, वो भी आकर के बैठे रहते हैं, चलता रहता है। और कोई मेहमान कभी कभी आए तो फिर अपन भी ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो पूरा टाइम देना पड़ता है ना। तो तीर्थंकरों की स्थिति ऐसी है। ये कह रहे हैं इंद्र के समान तो जिनके नौकर थे, और वे स्वयं सर्व सृष्टि की रचना करने के पुरुषार्थ से युक्त थे। ऋषभ देव का पुरुषार्थ कैसा था? सृष्टि की रचना करने के पुरुषार्थ से युक्त थे। फुटनोट में इस बात को क्लियर कर दिया है अपने, यद्यपि भी पहले अर्थ पढ़ते समय कर ली थी ये बात। सृष्टि की रचना का क्या अर्थ है देखिए, आप नीचे लिखा है, राजा ऋषभ देव ने कर्म भूमि की व्यवस्थाओं की शिक्षा दी, कर्म भूमि की व्यवस्थाओं की शिक्षा दी उन्होंने, अतः उन्हें सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा भी कहा जाता है। इसलिए उनके लिए हम ब्रह्मा शब्द का भी प्रयोग करते हैं। उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया ऐसा नहीं समझना चाहिए, उन्होंने कोई निर्माण किया हो दुनिया का, दुनिया बनाई हो, दुनिया रची हो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ उपदेश दिया कर्म भूमि के समय में, तो ऐसा कहा जाता है कि वे भी एक प्रकार से ब्रह्मा ही हैं। और इनके नामांतर के रूप में ऐसा भी कहा जाता है, आदिनाथ भगवान के लिए आदि ब्रह्मा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आदिनाथ भगवान को क्या कहते हैं? आदि ब्रह्मा। तो आदि ब्रह्मा मतलब युग के प्रारंभ में जिन्होंने कुछ व्यवस्थाएं करने का जो एक कार्य बतलाया, या समझो आप खेती करके कुछ ना कुछ उत्पन्न किया, करना सिखाया, ऐसे वे ब्रह्मा के समान हैं। चलिए, तो ये यहाँ बात हुई अपनी, सर्व सृष्टि की रचना करने के पुरुषार्थ से युक्त थे और उनके पुत्र चक्रवर्ती थे। ऐसी सामग्री होने पर भी उन्होंने अंतराय के उदय से 6 माह तक भोजन के लिए भ्रमण किया। तो फिर औरों की क्या बात करें, औरों की हम क्या बात करें, उन्होंने भी 6 माह तक भ्रमण किया था। किसका उदय आने पर? अंतराय कर्म का उदय आने पर। वे अंतराय कर्म के उदय को टाल नहीं सके, ठीक है ना, अंतराय कर्म के उदय को मिटा नहीं सके। औरों की मतलब हमारी, देखो जब हम कहते हैं ना वो ही नहीं कर सके, औरों की क्या बात करें, तो बात जचती नहीं है, इतनी गले नहीं उतरती। तो जब वो ही नहीं कर सके तो फिर हमारी क्या बात करें, क्योंकि औरों की बात नहीं है। बात तो ये है कि हम सोचते हैं ना कि हम कर लेंगे, हम करते हैं, हमने ऐसा कर दिया, हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे में इतनी सामर्थ्य है। तो ये कह रहे हैं वो ही नहीं कर सकते, तुम क्या कर सकते हो, औरों की क्या बात करें, हमारी आपकी क्या बात करें। इसलिए कर्म के उदय से थोड़ा बहुत कष्ट होता है, उसे भी सहन करके ऐसा चिंतन करना चाहिए कि संसार में तो कर्म ही बलवान है। समय समय की बात है, जैसा प्रकरण चल रहा हो वैसी बात की है। ऐसा चिंतन करना चाहिए संसार में तो, आप ये समझ लेना इसमें रहते छिपाए, इसको यदि अपन थोड़ा गहराई में जाकर के इसकी यदि बात कर ले, तो इसमें वो बात निकल जाएगी कि जिन्हें संसार में रहना हो उनके लिए तो कर्म ही बलवान है, और जिनको संसार से मुक्त होना हो तो फिर कर्म क्या कर सकता है उनको, जिनको रहना ही नहीं है। जिनको यहाँ रहना है उनकी व्यवस्थाएं तो कर्म करेगा, और जिनको यहाँ से जाना है कर्म भी पीछे छोड़ देता है, यार तुम मेरी सुनते ही नहीं हो, मैं तुम्हारा क्या, तुम जाओ, तुम्हारे को जाना हो,
कर्म भी छोड़ देता है। हाँ, नौकरी करनी ही नहीं तो चमचागिरी का क्या काम। ऐसा चिंतन करना कि संसार में तो कर्म ही बलवान है, इसलिए संसार अवस्था का अभाव करना ही अपना हित रूप कार्य है, ऐसा निश्चय करके मोक्ष का ही साधन करना चाहिए। इस प्रकार हमारे को मुक्ति के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। देखो, निश्चय करके मोक्ष का साधन करना चाहिए, ऐसी बात इन्होंने यहाँ कह दी है। संयमदारियों की महिमा बतलाई है, पूछा क्या संसद कल करें। Thank you.
Thank you.